जल्दी लेके आई जाए, अपने चीता की बारी आ चुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो आज का प्लान कुछ ऐसे है, पहले तो हम जाने वाले हैं अपनी बाईसाइकिल को ठीक करवाने, क्योंकि जो आगे का राइड प्लान होने वाला है वो उसी बाईसाइकिल से होने वाला है। तो पहले राइड की जो हम प्लान कर रहे हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले तो जाते हैं बाईसाइकिल ठीक करवाते हैं। और एक बंदा और आने वाला है, क्योंकि हम जवान के पक्के, हमें पहुँचना होगा टाइम से। जवान के पक्के तो नहीं है, ठीक ठाक है। तो पहले हम वहाँ के लिए निकलते हैं, फिर जो राइड का जो प्लान है एक हमने राइड डिसाइड की है छोटी मोटी, और तो उसके लिए हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम निकलते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे कैसे निकल सकते हैं अपनी फैमिली का बिना स्वागत किए हुए, तो उससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव मारे ब्लॉग्स। आए बस लोग क्योंकि होंगे ठीक है ना, मजे करो, मस्त रहो और ब्लॉग इंजॉय करो, बाकी हम देख रहे हैं। तो क्या है ना कि आज मैं चेस्ट माउंट जो है लेके नहीं जा रहा, जिससे हम साइकिल राइडिंग वीडियो शूट करते हैं, बट आज हम जितने भी शूट करेंगे सब हाथों से ही करेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल किया जाएगा और अच्छा शूट होगा आई होप। और ठीक है, एंजॉय करो, बाकी देखते हैं, क्योंकि राइड से पहले साइकिल की रिपेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम भी आ सकती है आगे जाके, तो क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। तो ये मडगार्ड भी ले जाना है, पर इसको कैसे ले जाया जाए, एक हाथ से शूट एक हाथ से मडगार्ड, उसका जुगाड़ क्या करें। तो मम्मी का रबड़ बैंड निकाला है, देखते हैं कहीं काम आ जाता है, लगा दिया जाए मम्मी का रबड़ बैंड यहाँ पर, इसको ऐसे करके इसके नीचे वाले होल्डर पर अटैच कर देते हैं। तो सो मम्मी का रबड़ बैंड आखिरकार काम आ गया इसको अटकाने के लिए, बाकी जाने जाने का जुगाड़ हो जाए आगे तो लग भी आ जाएगा। ठीक है फिर निकलते हैं। ओके ब्रो, तो निकल तो गए हैं, शूट कैसे किया जाएगा आज फोन से ही देखना होगा, कोई नहीं कर लेंगे। मुझे और किसी चीज़ का तो डर नहीं है, बड़ी मडगाट ने गिर जाए यहाँ लगाया हुआ, बड़े जुगाड़ करके मम्मी का रबड़ बैंड काम आया। बहुत सही, इसका ही डर था मेरे को, सारा काम करवाना पड़ रहा है। अरे डर जा भाई, कर गए चलो। एवरी डे पर्सन काम तो गली मोहल्लों से लेके जानी पड़ रही है, क्या जाम लगा पड़ा है इधर, तो मेन रोड पे क्या जाम लगा पड़ा है, उधर साइड हमारी सिटी में फ्लाईओवर बन रहा है तो इधर से जाना पड़ रहा है, कोई नहीं जाएंगे तो पर फिर चल 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 चल। तो बड़ी मशक्कत करने के बाद पहुंच गए हैं फिलहाल अपने जगह पे। हेलो हेलो, साइकिल साइकिल से हेलो करवा पहले, कहीं और जाके कर लेंगे। तो अपना भाई गया हुआ अंदर बात करने के लिए, ब्रेक तो लग ही नहीं रहा पूरा, आवाज भी कर रहा है तमाम, तो करेंगे नहीं आवाज तो नहीं कर रहे थे ना, जिस टाइम ली थी उस टाइम नहीं कर रहे थे आवाज, पेट पड़वा लो फिर कितने मडगार्ड निकाल लो भाई, मम्मी का रबड़ लगा के लाया था भाई, मडगार्ड खो जाए मम्मी का रबड़ निकल ले, मडगार्ड खो जाए पर मम्मी का रबड़ नहीं खोना चाहिए, इसलिए आप जा नहीं देखा अभी, इसकी यहीं से दूरी है, मैंने इसमें वो भी लगा।
जल्दी लेके आई जाए, अपने चीता की बारी आ चुकी है। पीछे वाला ब्रेक देख लेना और चैन टाइट कर देना, इसके बराबर निकल रही है अभी, रास्ते में निकल गई यार चैन। पर जैसे साइकिल का ऐसे कलर चेंज करवाएंगे हो जाता है, नहीं हो पता डिजाइन। साइकिल का तो हो गया सारा काम, अभी फिलहाल तो हम हैं काशीपुर तहसील में, कुछ काम आ गया था भाई को जो साथ में आया था, अब सीधा निकलते हैं घर, फिर बताता हूँ क्या क्या इसमें पढ़वाया है, क्या क्या नहीं, क्या क्या नई चीज़ें डली हैं। ठीक है, साइकिल के नट बट सब कसवा लिए गए हैं, ब्रेक भी कस दी गई है, अच्छे से टायर भी घूम रहे हैं, चैन भी अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि जो ये सब करवाना चाहिए तो, क्योंकि जो अगली राइड होने वाली है वो 30-35 किलोमीटर की होने वाली है, तो वो भी उत्तराखंड के माउंटेन्स में है, और उत्तराखंड की वादियों में तुम्हें दोबारा से लेके जाया जाएगा, वो भी शुभम भाई के द्वारा। तो आज के बस इतना ही रखते हैं, नहीं हो तो सब्सक्राइब, कोई भी रीजन इस वीडियो को लाइक करने का जरूर करना। तो आज के बस रखते हैं, आप जो इस ब्लॉग ऐसे सपोर्ट करते हो तो मिलते कैसे ऐसे ब्लॉग में, तब तक कह रहे हैं बाय बाय, करने का मन नहीं करता मेरा, करना पड़ता है।